प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सहारनपुर और अमरोहा जिले में चुनावी जनसभा को किया संबोधित। कहा, देश की सुरक्षा के लिए मजबूत सरकार का होना है जरूरी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर, नागपुर में बोले राहुल, कांग्रेस का लक्ष्य है गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक करना। प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में पार्टी की प्रत्याशी डॉली शर्मा के लिए किया प्रचार। अखिलेश यादव ने चुनावी जनसभा के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र किया जारी। कहा, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पार्टी का है विशेष जोर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने भी जारी किया घोषणा पत्र। चुनावी बॉन्ड पर अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा, चीफ जस्टिस ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत। अदालत में अगली सुनवाई 10 अप्रैल को। नमस्कार, आइए देखते हैं मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए एसजीपीजीआई लखनऊ में कहा कि मुझे खुशी है कि हृदय रोग पर दुनिया में हो रही नवीनतम तकनीक के बारे में इस कॉन्फ्रेंस में साझा किया जाएगा, जिसमें देश विदेश के नामी डॉक्टरों ने हिस्सा लिया तथा एक दूसरे के साथ नई चुनौतियों और तकनीक को साझा किया। उन्होंने कहा, इस कॉन्फ्रेंस का फायदा तब है जब लोगों को सस्ती और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इस अवसर पर उन्होंने भारत जैसी बड़ी आबादी को चिकित्सा सेवाएं देने वाले चिकित्सा कर्मियों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केवल इलाज ही नहीं, लोगों को जागरूक किया जाए जिससे हृदय रोग से संबंधित बीमारियों को कम किया जा सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि योगा और अपनी लिविंग स्टाइल को चेंज करके भी ऐसी बीमारियों से बचा जा सकता है। भारत में 65% आबादी 30 वर्ष या उससे कम की है। ऐसे में इस युवा देश की चुनौतियों को समझकर स्वास्थ्य सेवाएं बनाई जाएं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी चिकित्सा सेवाओं को बेहतर किया जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को बड़ी आबादी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। Responsive and well-equipped network of the primary health centers can greatly reduce the burden on secondary and tertiary healthcare institutions by focusing on disease prevention and early detection and treatment. My dear sisters and brothers, we must not falter in our response to communicable disease either. We must also strive to fortify our response towards medical emergencies and further strengthen our readiness to combat breakout of epidemics such as the recent Nipah virus outbreaks witnessed in Kerala. We would also have to prepare ourselves to deal with a number of mutated versions of microorganisms resistant to antibiotics and drugs that would arise due to changing climate and unprecedented levels of pollution. India must also invest much more resources in research and development to keep pushing the frontiers of knowledge and keep evolving new and improved protocols for treatment of diseases. इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने 3 दिवसीय हो रही हृदय रोग की कॉन्फ्रेंस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लखनऊ मेडिकल के क्षेत्र में बड़ा हब बनने जा रहा है और ऐसी कॉन्फ्रेंस इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। एसजीपीजीआई देश और दुनिया के अच्छे संस्थानों में से एक है और चिकित्सा के क्षेत्र में नई तकनीक के साथ ये इलाज कर रहा है। एसजीपीजीआई के निदेशक राकेश कपूर ने कहा कि यह संस्थान लगातार अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है और हमारे यहां की स्वास्थ्य सेवाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी से टक्कर लेने के लिए कुछ लोग देश को दांव पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल देश को धर्म, जाति, संप्रदाय और स्वास्थ्य के समीकरणों में उलझाने में लगे हुए हैं। पीएम ने जनता से इन साजिशों को नाकाम करने का आग्रह किया। मोदी से पार पाने के लिए ये राष्ट्र को दांव पर लगाने के लिए तुल गए हैं। ये वोट के लिए देश को जाति में, संप्रदाय में, स्वार्थ के समीकरण में उलझाना चाहते हैं, लेकिन आपको इनके इस एजेंडे को, इनकी साजिशों को नाकाम करना है। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अमरोहा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया बड़ी संख्या में, जहां लोग मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने महागठबंधन पर हमला करते हुए मजबूत सरकार की वकालत की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि देश की साख बनी रहे इसके लिए मजबूत सरकार होना बहुत जरूरी है।
विरोधियों ने मुझ पर आरोप लगाए वो भी सुने हैं। आप मैं पूछना चाहता हूं, पिछले 5 साल से जिस रणनीति को लेकर के ये चौकीदार चल रहा है, क्या आपको वो पसंद है? क्या आपको पसंद है? क्या आपको मंजूर है? क्या आप मुझे बताइए, आतंकी हमले के बाद मुझे चुप हो जाना चाहिए था या उन पर प्रहार करना चाहिए था? मैंने सही किया? ऐसे ही करना चाहिए? देश के नागरिकों की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भाजपा के प्रचार अभियान को और धार देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रैली की। राजनाथ सिंह ने एक अमेरिकन एजेंसी के सर्वे का हवाला देते हुए कहा कि अब दुनिया भी यह मान रही है कि मोदी सरकार ने भारत में गरीबी पर बड़ा प्रहार किया है। अमेरिका का एक माना जाना थिंक टैंक है, उस थिंक टैंक का नाम है ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट। उसने भारत का एक सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण करने के बाद उसने कहा है कि 2016 में भारत में गरीबों की संख्या 12.5 करोड़ थी, लेकिन 3 वर्षों के अंदर जो सुविधाएं और जो व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई हैं, उसके परिणामस्वरूप 7.5 करोड़ लोग जो है भयंकर गरीबी के दुष्चक्र से बाहर हो गए हैं। अब गरीबों की संख्या केवल 5 करोड़ रही है। केंद्रीय और भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली ने आज अगुस्ता हेलीकॉप्टर सौदा मामले पर खुलासे को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को RAF, APFAN जैसे शब्दों पर जवाब देना चाहिए। द राइट टू साइलेंस इज अवेलेबल टू एन अक्यूज्ड, नॉट टू अ प्राइम मिनिस्टेरियल एस्पायरेंट। कि मैं जवाब नहीं दूंगा और हाथ जोड़ के सबको गुजारिश करूंगा, मत छापो, मत आगे बढ़ो, यह पब्लिक डोमेन में है। क्या ये RG, AP, FAM ये काल्पनिक व्यक्ति हैं? दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे, नाम वही हैं। मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रबुद्ध जन गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी के नामांकन जुलूस में देश के विभाजन करने वाले दल के झंडे थे। जुलूस में न कोई कांग्रेस का झंडा था और न ही कोई तिरंगा झंडा था। जुलूस को आपने देखा होगा तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि कांग्रेस की मंशा क्या है, मुस्लिम लीग कौन है। इस देश के विभाजन की मांग करने वाला दल जिसने भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन का समर्थन किया था, कल वह कांग्रेस का जुलूस लेकर के जा रहा था। और आपने देखा होगा कहीं कांग्रेस का झंडा नहीं, कहीं भारत का तिरंगा नहीं, कहीं पर कोई और झंडा नहीं। अगर राहुल गांधी इतने ही सेकुलर हैं तो कुछ भव्य झंडे भी उसमें होने चाहिए थे, एक भी नजर नहीं आया होगा। पूरे रास्ते भर आपको चांद सितारे का झंडा, हरा झंडा ही, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया होगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा विराम। अब नेता जनता के द्वार, दावों और वादों की होगी पड़ताल, क्या चाहती है जनता, नेताओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ, लोकतंत्र का उत्सव जनता है भागीदार।
देखिए जनादेश 2019 रोजाना 7:30 से 8 बजे डीडी उत्तर प्रदेश पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी का घोषणा पत्र भारत के लोगों की सोच की अभिव्यक्ति है। उन्होंने गरीबों के लिए न्याय या फिर न्यूनतम आय योजना से मध्यम वर्ग पर बोझ पड़ने की बात को खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो गरीबी परिवारों के लिए न्यूनतम आय के तौर पर 72,000 रूपये देगी, जिससे कि करीब 25 करोड़ गरीब लोगों को इसका फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि हमारी सरकार सत्ता में आती है तो संसद और राज्य विधानसभाओं में 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। थर्टी ऑफ लोकसभा विधानसभा राज्यसभा सीट्स आर गोइंग टू बी रिजर्व फॉर वुमेन आफ्टर 2019 व्हेन वी कम टू पावर। वी आर गोइंग टू इंश्योर दैट One third of parliament, one third of every Vidhan Sabha is guaranteed to have women in it. Second thing we're thinking about is 33% of all jobs at the national level should be reserved for women. Those are the broad ideas we have in our manifesto. राहुल गांधी जहां महाराष्ट्र में पार्टी के प्रचार को धार दे रहे हैं तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गाजियाबाद में आज रोड शो किया। इस मौके पर कांग्रेस महासचिव की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समतामूलक समाज की स्थापना और गरीबी हटाने के लिए पार्टी का संकल्प है और इसी को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने का काम किया था। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन, आरएलडी गठबंधन पूरे प्रदेश में उनके कार्यकर्ता नेता जनता के बीच में हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य बेहतर हो। भारत और देश आगे बढ़ता दिखाई दे। हमारा किसान, गरीब, मजदूर, नौजवान, अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, नौजवान और सभी लोगों के बीच में खुशहाली कैसे जाए, हर वर्ग के बीच में क्या रास्ता हो विकास का, भारत को कैसे आगे बढ़ाने का रास्ता हो। और इसीलिए जरूरी है कि एक डॉक्यूमेंट हो, हमारा ये क्या लक्ष्य है, हमारा क्या विजन है, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में और जनता को क्या दिशा दिखाएं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने घोषणा पत्र में कृषि सुधार, किसान आयोग का गठन और औद्योगिक सुधार पर जोर दिया है। पूरे देश की जनता दुखी हो चुकी है तो हम इस घोषणा पत्र के द्वारा और जब हम सरकार में अगर शामिल हुए या सरकार बनाए रखने का मौका मिला तो ये हमारा जो घोषणा पत्र है यही देश की प्रगति करेगा और सही में समाजवाद भी लाएगा।
समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं छोटा सा विराम। देश का सबसे बड़ा चुनाव, हर पार्टी का असर, हर नेता की खबर, चुनाव पर क्या है जनता की राय, चुनावी सुर्खियां सिर्फ डीडी यूपी पर रोजाना शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद आपका समाचारों में फिर से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं, इटावा लोकसभा सुरक्षित सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इटावा उनकी जन्मभूमि है और सांसद बनकर जन्मभूमि का कर्ज उतारने आए हैं। उन्होंने कहा कि हर बूथ पर हमारे कार्यकर्ता मजबूती से विरोधियों को हराने का कार्य करेंगे। बसपा और सपा गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह गठबंधन नेताओं का गठबंधन है, कार्यकर्ता और वोटरों का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी जगह सभी बूथों पर कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोग नीचे तक सभी कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम कर चुके हैं और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में और जनता में बहुत उत्साह है। आज प्रदेश अध्यक्ष माननीय पांडे जी आ रहे हैं, जिनके समक्ष भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भी आज शामिल होने की संभावना है। निश्चित रूप से जिस तरह का पूरे देश में माहौल है, उसी अनुरूप इटावा लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। निश्चित रूप से जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को पीएम बनाने का काम करेंगे। जनपद कानपुर नगर में अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा बसपा गठबंधन की ओर से बसपा प्रत्याशी निशा सचान ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंची बसपा प्रत्याशी निशा ने निर्वाचन अधिकारी के सामने पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हर क्षेत्र में, हर काम में जनता परेशान है, वही मेरे सारे मुद्दे होंगे, उसी मुद्दे के ऊपर मैं कार्य करूंगी। उसमें कार्य करती रही हूँ जिला पंचायत सदस्य में, मैं ऐसा ही कार्य करूंगी जिससे मुझे आज हाथों हाथ जनता ने लिया है और मैं कोशिश करूंगी कि ये मेरा बना रहे जो विश्वास अपनी जनता के साथ है। जनपद शाहजहांपुर में सपा बसपा के हुए गठबंधन में शाहजहांपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से अमरचंद्र जौहर ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन से पूर्व खिरनी बाग मैदान में हुई जनसभा में सपा और बसपा के वरिष्ठ नेताओं से जनता से बसपा प्रत्याशी अमरचंद्र जौहर को भारी मतों से जिताने की अपील की। मीडिया से बात करते हुए बताया कि जनता भाजपा द्वारा किए गए अधूरे वादों का बदला लेगी और सपा बसपा द्वारा पूर्व में कराए गए कार्यों को देखते हुए वोट करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो 4.5 साल में, लगभग 5 साल हो गए हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता जनता उनसे संतुष्ट हो। जनता जो है माननीय बहन जी के, माननीय अखिलेश जी के जो कार्य पिछले हैं, उन कार्यों के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी। यहाँ की जनता इसलिए वोट करेगी क्योंकि जो पिछले जो इसका रिकॉर्ड रहा है वो बेहतर नहीं रहा है और मैं पेशे से शिक्षक हूँ। जनता के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बढ़िया उसके तालमेल के साथ मिला के तालमेल करेंगे, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, किसानों का जो वाजिब जो फसल का दाम है उसको दिलाने का काम करेंगे। झांसी ललितपुर लोकसभा संसदीय सीट से सपा बसपा संयुक्त गठबंधन के घोषित प्रत्याशी श्याम सुंदर सिंह यादव ने ललितपुर का दौरा किया। गठबंधन के मीटिंग के बाद कार्यकर्ताओं में जीत की रणनीति उन्होंने तैयार की। बाद में ललितपुर के सावरकर चौक पर अपने चुनावी कार्यालय के शुभारंभ में भाग लिया। इस अवसर पर बीएसपी के पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा, सपा की जिला अध्यक्ष ज्योति सिंह लोधी एवं बसपा के जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र कुशवाहा एवं जिला पंचायत अध्यक्ष सरिता यादव भी मौजूद रहे। बाद में मीडिया से वार्ता में गठबंधन के प्रत्याशी श्याम सुंदर यादव ने कहा कि सपा के घोषणा पत्र में बुंदेलखंड के किसानों के लिए ढेर सारी योजनाएं हैं।
आज तक भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की केंद्र की सरकार है और 2 साल की प्रदेश की सरकार है। उन्होंने झूठे वादे किए, कोई भी काम नहीं करवाया गया है। प्रदेश में जब सरकार थी तो हमारे बॉस से जो बैटरी से स्वचालित हमारे बिजली जी के केंद्र हैं, वह केंद्र भी हमारे बनवाने का सौर ऊर्जा वाले प्लांट माननीय अखिलेश जी ने किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के संचालन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले गैर सरकारी संगठन को इस मामले में उपयुक्त आवेदन दाखिल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की है। दरअसल केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट के दौरान चुनावी बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की थी। चुनावी सवर में जहां राजनीतिक दल अपनी बात जनता तक पहुंचाने में लगे हैं, तो चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी के साथ निष्पक्ष मतदान के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कल तीसरे चरण के नामांकन का काम खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने एक बार फिर से भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव को लेकर प्रतिबद्धता दोहराई है। चुनाव आयोग ने बताया कि पिछले सप्ताह 10 लाख नए मतदाता पंजीकृत हुए। आयोग ने कहा कि सी विजिलेंस के माध्यम से 40,000 शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही पहले दौर के मतदान से पहले देशभर में चुनाव आयोग की सख्ती के चलते विभिन्न एजेंसियों द्वारा अब तक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 1,618 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। बरेली में सामान्य लोकसभा निर्वाचन चुनाव को निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बरेली के एसवी इंटर कॉलेज में 3 दिवसीय प्रशिक्षण को 2 चरणों में शुरू किया गया। प्रशिक्षण देने के लिए 93 मास्टर ट्रेनर लगाए गए हैं, जिसमें ईवीएम को 60 मास्टर ट्रेनर और 33 सामान्य मास्टर ट्रेनर हैं। यह मास्टर ट्रेनर पीठासीन अधिकारी और प्रथम मतदान अधिकारी को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ईवीएम वीवीपैट सहित मतदान की बारीकियों को ट्रेनर द्वारा समझाया गया और बताया जा रहा है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रथम मतदान अधिकारी और पीठासीन अधिकारियों के लिए ईवीएम लैब, डाक मत पत्र हेल्प डेस्क, मतदान जागरूकता वैन, सेल्फी प्वाइंट आदि तैयार किए गए हैं। जिला युवा कल्याण अधिकारी विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में प्रथम चरण में 10,000 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं दूसरे चरण में 7,000 मतदान कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। मतदान सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी बारीकियों को समझाया और बताया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सत्र हम लोगों ने 4 भागों में बांटा हुआ है। प्रथम आधे घंटे में हम इनको सामान्य ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद 45 मिनट में हम इनको ईवीएम की थ्योरी ट्रेनिंग देते हैं, आधे घंटे का हमारा वीडियो क्लिप के माध्यम से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर 45 मिनट्स का हम इनको ईवीएम का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं, फिर इनका टेस्ट पेपर लेते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। इस तरह से 3 घंटे का है। प्रशिक्षण के अंतर्गत डाक मतपत्र हेल्प डेस्क लगा हुआ है, ईवीएम की लैब भी है, जो कमरे में ट्रेनिंग के बाद भी अगर किसी को डाउट है तो ईवीएम लैब में जाकर ट्रेनिंग दे सकते हैं वो लोग। इसका प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने वोटों का प्रयोग कर सकें और हमारे जो ये मतदान कार्मिक हैं अच्छी तरह से ट्रेनिंग लेकर के हमारे निर्वाचन को सफल बनाएं, इसका पूरा प्रयास है। समाचारों में मिलते हैं एक विराम के बाद। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े हमारे ट्विटर हैंडल अकाउंट से @DDNewsUP पर या हमारे फेसबुक पेज से जुड़े DDNewsUP पर। यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए लॉगिन करें DDNewsUP। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूक के लिए कामाख्या से चलाकर बनारस, अकबरपुर, अयोध्या, लखनऊ से होते हुए गांधीग्राम तक मतदाता जागरूकता ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन आज अयोध्या पहुंची, जिसका स्वागत जिलाधिकारी अनुज झा ने गुलाब के फूल देकर किया। उन्होंने यात्रियों को गुलाब का फूल दिया और साथ ही पूछा कि वे वेटर के रूप में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। फैजाबाद जंक्शन के प्लेटफार्मों पर मतदाता जागरूकता के संदेशों के फ्लैक्सी बोर्ड, बैनर आदि लगाए गए हैं, जिसमें अधिक से अधिक यात्री संदेशों को देखें और आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट करने के लिए प्रेरित हों।
वोटरों को जागरूक करने के लिए बाराबंकी जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत बच्चों की कॉपी में अभिभावकों के हस्ताक्षर होंगे। कॉपी में हस्ताक्षर करने के दौरान अभिभावकों को लिखना होगा कि हम मतदान अवश्य करेंगे और शिक्षक इसे चेक करेंगे। इसके अलावा बच्चों की पाठशाला में भी अभिभावक मतदान का भी पाठ पढ़ेंगे, जिसमें उनको संकल्प दिलाकर हस्ताक्षर भी कराया जाएगा। वे 6 मई को मतदान जागरूक जरूर करेंगे। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने भी हस्ताक्षर अभियान संघ सेल्फी प्वाइंट की शुरुआत की, जिससे लोगों को मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में नुक्कड़ नाटक, गोष्ठियों, रैली के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में साफ सुथरे ईमानदार की छवि के साथ ही जो आपके क्षेत्र में विकास कर सके, उसके साथ ही नशा और थोड़े रुपयों के लालच में कभी न आए, अच्छे नागरिक का परिचय देकर आप मतदान करें। नुक्कड़ नाटक के कलाकारों ने बताया कि इनका मकसद है कि अधिक से अधिक मतदान हो एवं प्रजातंत्र में एक अच्छे नव भारत का निर्माण हो सके। प्रयागराज जिले में चौराहों, बस अड्डों, स्टेशनों पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलाकारों ने यह भी बताया कि जागरूकता अभियान मतदाताओं को नुक्कड़ माध्यम से बताया जा रहा है कि योग्य व ईमानदार प्रतिनिधियों का चयन करने के लिए आप मतदाता को अपने मतदान का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इंदिरानगर, जवाहर भवन, लखनऊ कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के लिए हुए आम चुनाव में पहली बार महिला कर्मचारी अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं, जिनका शपथ ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया। फतेहपुर शहर के भी सिविल लाइन्स इलाके में आज उस समय हड़कंप मच गया जब यहां स्थित मुलई टोला बिजली विभाग के वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आज तड़के आग लगने के चलते वर्कशॉप में रखे करोड़ों रुपए के नए ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर बनाने की मशीन के अलावा बड़े पैमाने पर रखे उपकरण जलकर खाक हो गए। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर लगी हुई हैं, लेकिन लगभग 2 घंटे पहले लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। सदर कोतवाली क्षेत्र के मुराई टोला इलाके में ही एक कंपाउंड में बिजली विभाग के वर्कशॉप के अलावा यहां पर विद्युत स्टेशन के साथ ही 3 बड़े स्टोर भी बनाए गए हैं। घनी आबादी वाले इलाके में स्थित वर्कशॉप में आग लगने के चलते यहां बिजली विभाग के स्टोर में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। इसी के साथ समाचार यहीं खत्म होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।